रामदास यादव पक्का शहर में जाकर बसा है। वो और उसकी तीखी बीबी जमुना बरसों बाद गांव लौटे हैं एक आंधी के साथ। अपनी छोटी बेवा भाभी के जमीन का हिस्सा हड़प करने का षड्यंत्र रचाया है उन्होंने। चल चल जाकर बर्तन मांज ले और वो बिस्तरा बना देना और फिर गप्पे मारने यहाँ आई ना तो अपनी मर्जी की रानी तू है। ठीक कहा ना मैंने मेरी माए? हाँ। वैसे तो शहर में रहकर गांव के सारे उसूल वो कभी के भूल चुके हैं। कौन से नाटक में काम किया है? नाटक नहीं, मशीन करता हूँ और रिकॉर्ड पे डांस भी करता हूँ। क्या क्या करते हो? हाँ ठीक है ठीक है। चाची मैं तो इसको कल ही हमारे नाटक मंडली के अड्डे पे लेके जाता। हाँ। फिर हमारे सब लोग देखेंगे इसका डांस। क्या देखेंगे इसका डांस? नाच नाच। अच्छा अच्छा नाच देखेंगे। आए मब्बा चल अकेला हूँ बीमार हूँ, चाहूँ एक लड़की जो कहे मैं उसका यार हूँ। आके हो जिसकी काली जिसकी लाली कैसे नाच रहा है? बेकरार हूँ आए मब्बा चल अकेला। अरे रुक रुक, ओ कैसा नाच रहा है लड़का जमुना, ये क्या मटक मटक के कवर हिला रहा है। ची ची ची, कैसी पुरानी बातें कर रही हो? अरे शहर में सिनेमा में अभी ऐसे ही नाचते हैं। क्या बात कर रही हो जमुना, अपने बच्चे को समझा। अरे इस उम्र के बच्चों को यही सब क्या शोभा देता है? जी जी जी। गणेश बासु इसे अपना नाटक दिखा दो। हाँ, दिखा दो। इधर आ और देख इनका नाटक। मुझे नहीं देखना ये नाटक। माँ अब हमारे नाटक का क्या? देवर जी दिखाइए ना, हम भी आपका नाटक देखने आए हैं। चल ना गणेश, क्या भाव खाता है? चल करो करो, दिखाइए ना दिखाइए ना दिखाइए ना। अच्छा नमस्कार नमस्कार नमस्कार, शांत रहिए शांत रहिए। तो आज हम आपके सामने जो अंग प्रस्तुत करने जा रहे हैं वो है कुंती और विदुर के बीच का। आप तो महाभारत सब जानते ही हैं। कुंती का पति पंडु मर चुका है तो कुंती अपने 5 छोटे छोटे बच्चों को लेकर अपने जेठ के पास आई है। इन बच्चों का इस राजगद्दी में हिस्सा है। तो आप देखने जा रहे हैं नाटक कुंती और विदुर। पधारिए भाभी पधारिए, आपको यहां देखकर मुझे बड़ी खुशी हुई और दुख भी हुआ। अच्छा हुआ आप अपने बच्चों को लेकर वापिस आ गई। देवर जी मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं सिर्फ
मेरे बच्चों की भलाई चाहती हूँ, लेकिन मेरे जेठ जी और जेठानी जी, धृतराष्ट्र महाराज और गांधारी बहन, अगर उनको ऐसा लगे कि मैं उनसे उनके बच्चों से कुछ छीनने आई तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। मेरे आने से वो बहुत नाराज है। शायद आप ठीक कह रही है भाभी, लेकिन ये मैं कैसे कहूं कि वो आपके साथ मीठी बातें बोले भी, लेकिन उन्हें आपके बारे में, आपके बच्चों के बारे में जरा भी प्यार नहीं है, नहीं है। मैं जानती हूँ वो मुझसे, मेरे बच्चों से हमारा हक छीनने पर तुले है। उनको लगता है मैं अकेली विधवा, मैं क्या कर सकती हूँ? ऐसा मत कहो भाभी, न्याय आपके पक्ष में है, तभी तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण न्याय मांगने के लिए झोली फैलाकर आपके भैया से मिलने के लिए आए हैं। वाह वाह, बहुत अच्छा गणेश। अरे माँ, तुम भी बीच बीच में क्यों बात कर रही हो? कितना रस भरा नाटक करते हैं नहीं बच्चे, मेरा तो जी भर आया, मुझसे रहा नहीं गया देखा। हाँ हाँ, लेकिन मुझे तो अभी जाना है, इनको चाय देनी है। थोड़ी देर तो रुक जाओ ना, देख लेना नाटक पूरा। देवर जी, और कितना बचा है, हम देखना चाहते हैं। नहीं भाभी, आप नहीं, अब वैसे भी मूड चला गया है और हमें गाने की रिहर्सल करनी है। नहीं नहीं नहीं। अच्छा चलो, कोई गाना ही सुना दो। हाँ, भजन सुना देना कोई अच्छा सा। बोल दे वो वाला। झूठ बोले कौवा काटे, काले कौवे से डरियो, मैं मायके चली जाऊंगी, मैं मायके नहीं जाऊंगी, तुम देखत रहियो। झूठ बोले कौवा काटे, झूठ बोले कौवा काटे, काले कौवे से डरियो, मैं मायके नहीं जाऊंगी, मैं मायके नहीं जाऊंगी, तुम देखत रहियो। झूठ बोले कौवा काटे, काले कौवे से डरियो, मैं मायके नहीं जाऊंगी, मैं मायके नहीं जाऊंगी, तुम देखते रहियो। झूठ बोले कौवा काटे। तू बहुत भोली है रुक्मिणी, मुझे तो दाल में कुछ काला नजर आ रहा है। इसकी बात अजीब जरूर लगती है। मेरे समझ में तो कुछ भी नहीं आता। पैसों की लालच कब किसी के मन में जहर घोल देती है कुछ पता नहीं चलता। क्यों बुआ जी, मैं बहुत पढ़ी लिखी नहीं हूँ, इसका मतलब ये तो नहीं कि मेरा जीना हराम का हो गया। बहुत आदमी लोग अनपढ़ होते हैं, फिर भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो काम कर ही लेते हैं। कूली का काम नहीं करते? मेरे भी आंख है, पैर है, दिमाग है, मैं कुछ ना कुछ तो पैसे कमा सकती हूँ। औरत जात का यही हाल होता है, उसके हाथ पांव दिमाग कुछ ना कुछ काम के लायक जरूर होते हैं, लेकिन पैसे कमाने के लायक नहीं। पैसों का मालिक आखिर मर्द ही होता है। क्यों रे देवरानी, हमारे यहाँ घर घर में औरत कथरी सीने का काम करती है, उससे हम पैसे नहीं कमाने लगे? मगर तू पढ़ाई से क्यों डरती है? और तुम तो शहर के रहने वाली हो, हम भी पढ़ना लिखना सीख गए हैं। वैसे तो मैं पूरी अनपढ़ नहीं हूँ, चौथी तक पढ़ी हूँ, लेकिन रोज न पढ़ने से भूल गई हूँ। सिनेमा का नाम पढ़ना आता है मुझे। कम से कम तुम खुद को अपाहिज न समझना। बुआ, गंगा माई बता रही थी कि उसे इतने सालों तक ये नहीं मालूम था कि काशीनाथ उसके जमीन के टुकड़े को अपना कहकर के हड़प रहा है। पिछले बरस जब उसने गोरख से कहा कि वो एक बार जाकर कचहरी पता तो लगाए जमीन के बारे में, तब जाके उसे पता चला कि काशीनाथ उसकी जमीन के टुकड़े को खा रहा है। अब मेरी इतनी उम्र हो गई, नाती पोते आ गए, बाल सफेद होने को आए, लेकिन मैंने अभी तक ये नहीं देखा कि जमीन का कागज काला होता है या पीला। और तुझे जरूरत ही क्या है?
मुझसे पूछो जरूरत की बात। मालूम है हमारा वो जब गुजर गया ना। कौन बुआ जी? वो का मतलब तो तू नहीं समझती, मेरा मर्द जिसके साथ बचपन में मैंने जन्म के फेरे लिए थे। वो तो जन्म से ही कमजोर था, हमारे बाल बच्चे भी नहीं थे, सास ससुर भी कब के भगवान को प्यारे हो गए थे, तीन तीन देवर थे। एक दिन उन्होंने एक कागज मेरे सामने रखा और बोले, इस कागज पर भाभी अंगूठा लगाओ। मैं तो लिखना पढ़ना नहीं जानती थी, बस मैंने अंगूठा लगा दिया। बाद में उन्होंने एक सुंदर बैलगाड़ी सजा दी, मुझे भारी कपड़े पहना दिए और बोले, भाभी तुझे महाकाली की यात्रा ले जाना है, तेरे गांव में महाकाली की पूजा होती है ना। मैं भी कैसी बुद्धू, एकदम खुश हो गई। मैंने सोचा बापू से मिलूंगी, मां से मिलूंगी, चार दिन घर का काम नहीं करना पड़ेगा। फिर बस महाकाली की यात्रा खत्म हो गई। चार महीने गुजर गए, छह महीने गुजर गए, मां बोली, तेरे ससुराल वालों ने तुझे छोड़ तो नहीं दिया। मैंने कहा, जाने दो उनको, मुझे तो यहां रहने में खुशी है। बापू बोले, पागल है तू, अब हम जिंदा है तो तुझे खिला रहे हैं, क्या पता हमारे पीछे भैया भावस से तेरी निभेगी या नहीं। तेरे हक का घर तो वो है। बापू ने ससुराल वालों को संदेशा भेजा, अपनी बहू को ले जाओ, उसका हिस्सा वहां है। तो मालूम है उन्होंने क्या किया, उल्टा संदेशा भेजा, तुम्हारी बेटी ने अपना हिस्सा हमारे नाम लिख दिया है। मुझे क्या पता था, मैंने ऐसे किसी कागज पर अंगूठा लगा दिया है। अब क्या उनके खिलाफ कोर्ट कचहरी करती फिरती। सब चला गया। बापू ने फिर एक जमीन का छोटा सा टुकड़ा खरीदा और मेरे नाम कर दिया। इस बात पर भैया भाभी ने बहुत शोर मचाया। खैर, अब तो वो लोग गांव छोड़कर चले गए हैं। मेरे पास ये जमीन ना होती तो मैं कहीं की ना रहती, इसलिए कहती हूं बिना जाने कभी किसी कागज पर अंगूठा नहीं लगाना। मगर ये अंगूठा क्यों लगाएगी, कभी तो स्कूल गई थी ना तुम, तो दस्तखत करो अंगूठा नहीं लगाना। कमाल करते हो दीदी, पूरे परिवार की कितनी जमीन है, किसका कितना हक है, इसका और इसके बेटे का कितना हक है, ये जाने बिना अगर दस्तखत कर दी तो उसमें और अंगूठा देने में फर्क ही क्या रहा। अरे नानी बहू, तू तो परमेश्वरी की तरह बोलने लगी। हर एक चीज पे सोच विचार करना उसी से सीखा है मैंने। किस बात पर जोर जोर से बहस चल रही है? अरे जमुना अंदर आना। अच्छा अच्छा आती हूँ। क्या हुआ चाची? आप ही बताओ, घर बार हो या कारोबार हो, औरत को सभी बातें समझ लेनी चाहिए या नहीं? अरे पागल है, क्या जरूरत है औरतों को सब बात समझने की। अभी हमारी बहू रानी अपना सारा बोझ हमारी इन पर डालकर आराम से सो सकती है। अज्ञान का आराम, ये कैसा आराम? मेरी माए
भगवान बचा ले तेरी बहुओं से। आजकल की बहुओं के मुंह लगना ही मुश्किल हो गया है। चाची जी, कल तो मैं करेले की मसाले वाली सब्जी बनाऊंगी। आप कह रही थी ना आपको बड़ी अच्छी लगती है। अरे तुझे अभी तक याद है? मेरी माए, तेरी बहुएं तो बहुत होशियार। अरे लेकिन कल तो हम सबको कचहरी जाना है, कुछ कागज बनवाने। मगर करेले तो मैं ले आई हूँ, कल शाम तक तो बासी हो जाएंगे। तो फिर उसकी सब्जी बना के तुम्हें कचहरी ले आनी होगी। ठीक है, तो मैं वही ले आऊंगी। पागल कहेंगे। अरे यहाँ औरतों का क्या काम? ये क्या कह रहे हैं हम? तो क्या मैं रुक्मिणी को लेकर चली जाऊँ? नहीं नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं तो आपके लिए करेले की सब्जी ले आई हूँ। अच्छा, क्या काम है इन लोगों का यहाँ पर? अरे करेले की सब्जी लाई है। शांत रहिए। अच्छा, अच्छा, शांत रहिए। तो चुपचाप वहाँ बैठने दो। हाँ रामदास, चलो क्या कहना तुझे पंचों से? आप सब जानते हैं तो आप ही बताएं ना। आप ही बोलिए पाटिल। हाँ। वही ठीक रहेगा। आप ही बोलिए। बोलिए। आप जानते हैं कि पिछले कई वर्षों से रामदास शहर में रहता है, तो भी ये अपना ही आदमी है। मैं इसे अपना आदमी कहता हूं क्योंकि अपने गांव के जो उसूल हैं शहर में रहकर भी ये उन पर चलता है, इसीलिए ये अपना आदमी है। क्यों जी? मैं ठीक। दुर्भाग्य से इसके छोटे भाई को जब भगवान ने अपने पास बुला लिया तो इसने उसके बीवी बच्चों को रास्ते पर नहीं छोड़ दिया, जैसा कि आजकल होता है। तो अब ये शहर में रहता है और यहां इसकी जमीन ऐसे ही पड़ी रहती है। पिछले कई वर्षों से उसमें कुछ बोया ही नहीं गया, तो अब ये अपनी छोटी भाभी और भतीजे का भला सोचकर उस जमीन का बंटवारा करके एक हिस्सा हमें देना चाहता है जो कि इसका अपना बनने वाला है। क्यों जी? मैं ठीक कह रहा हूं ना? मतलब ऐसा नहीं, पर ऐसा ही कुछ। हाँ तो समझ गए सब लोग? तो फिर ये जो कागज बनाना है ये उसे जोर से पढ़े या? ये क्या कह रहे हैं आप पाटिल जी? इतने सीधे शब्दों में आपने बता दिया, अब कागज पढ़ने की क्या जरूरत? शक की बात नहीं है, दस्तूर की बात है। क्यों नहीं छोटे बहू, तू बता देना पाटिल जी को। कोई जरूरत नहीं है जी। अरे अरे, हमारी बहू बेटियां बैठी है सभा में, काहे को उसको सबके सामने मुश्किल में डालती हो? अब बेटा तुम अंगूठा लगा ही। वो तो दस्तखत करती है। अच्छा, मतलब पढ़ी लिखी है, ये तो और ही अच्छा है। करो दस्तखत करा दो फिर। तो ठीक है भाभी, आपको इन चार पांच पन्नों पर दस्तखत करने हैं। आपके बाद ज्ञान बाप और जीवन चाचा भी गवाह के तौर पर दस्तखत करेंगे। मैं रुक्मिणी यादव राजी खुशी से होशियारी से कोई नशा पानी न करते हुए तंदुरुस्त स्थिति में अपने हिस्से की जमीन मेरा बेटा अपाहिज होने के कारण और क्योंकि उससे कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। मेरे बड़े देवर रामदास यादव को सौंप देती हूँ। सुनो, मेरी विनती है कि इसको स्वीकार करे और चाहे तो
जिसको बेचने का अधिकार दे दे। ये क्या रहा है? अरे पाटिल जी, ये रामदास कह रहा था कि ये अपने हिस्से की जमीन बेच रहा है। ये क्या कह रहा? इसका हिस्सा हमारा हिस्सा, इसमें कुछ फर्क है भला? तू बीच में मत बोल, इसने कुछ फर्क है भरा? नहीं 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 नहीं, अरे बेवा बहू से जमीन जायदाद छीन लेना, नहीं ये अच्छी बात नहीं है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। अब बताइए पाटिल जी, ये तो सरासर जुल्म हुआ ना। तूने ये तो नहीं कहा था, और तूने कैसे मान लिया? अब जब उसने उसकी जमीन उसको सौंप दी है तो वो अपने हिस्से की जमीन बेचे उसके हिस्से की, बात तो एक ही है ना। बात एक कैसे हो सकती है? चुप ना लक्ष्मी, आप क्या पंचायत में घुस के बहू बेटी आपको कायदा सिखाएंगी? अरे मैं कहता हूँ क्यों ना एक बार कागज सबके सामने पढ़ा जाए। अगर बाद में दस्तखत करने को वो राजी है तो किसी को कोई शिकायत होगी नहीं ना। होनी चाहिए। अब इसकी राजी नाराजी पूछेंगे आप? तू चुप रहे। क्यों चुप रहूं मैं? क्यों चुप रहूं? अरे अपने बेटे के मुंह से रोटी छीन कर मैंने इसके बेटे को खिलाई है, तब किसी ने राजी नाराजी नहीं पूछी थी? देख मेरी माए, तेरी ये बहुएं इसको लालच सिखा रही है, अच्छा नहीं कर रही। जाने दो भाभी, इतना गुस्सा मत करो। अच्छा अब ये कौन पड़ेगा? कोई क्यों पड़ेगा, हम पे इज्जत नहीं। अब बिना पढ़े ही इसको दस्तखत करनी होगी। हाँ। अरे शांत रहो, शांत रहो। दस्तखत करेगी या नहीं? अरे अरे पंचायत के सामने क्या जुर्म चल रहा है? बिना दस्तखत नहीं करूंगी। क्या बोली? चल रुक्मिणी जल्दी बैठ। वो नहीं चलेगी हमारे साथ। दीदी बुरा मत मानना, आपके सिवा हमारा है भी कौन? सुखी रहो और देखो जरूर पढ़े तो कुछ संदेश भेज देना। मतलब लिखना। अक्षर भैंस बराबर, भैंस बराबर।